हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी एनी वे ऑफलाइन इन द करंट इवेंट या करंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसकी हम क्लास 282 डिस्कस करेंगे। इसके पहले 281 क्लासेस लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की हमने डिस्कस कर ली है, जिनको कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किया है। साथ में वीडियो के अंत में जो भी आपके मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आज हम क्लास 282 में कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें कि बॉक्सिंग में इंडिया ने गोल्ड मेडल जो जीता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले की एक वीडियो भी हमने डिस्कस की थी जिसमें कि विनेश फोगाट जो कि रेसलर है इंडिया की, उन्होंने भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था। इसमें हम डिस्कस करेंगे रवि कुमार दहिया, जिन्होंने इंडिया के लिए रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। देखिए, बात की जाए इंडिया रवि कुमार दाहिया डिफिटेड नाइजीरिया ई वेल्सन, ई वेल्सन को हराकर यहाँ पे नाइजीरिया के ई वेल्सन को हराकर इंडिया के लिए यहाँ पे रवि कुमार दाहिया ने रेसलिंग कुश्ती में जो है यहाँ पे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इनके हम वेट कैटेगरी की बात करें तो इन्होंने 57 kg वेट कैटेगरी में के रेसलिंग में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। और जो आपके राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए गए थे वो आपके ब्रिटेन के बर्मिंगम में आयोजित किए गए थे 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2022 के बीच में, जो कि 22वां एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का, जिसको 22nd एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का। ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। इसके अलावा रवि कुमार दहिया की हम बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में आयोजित किए गए थे जापान में, वहां पे भी इन्होंने रेसलिंग में जो है इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता था। तो ये दोनों पॉइंट हमको याद रखने हैं कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के लिए इन्होंने जो जीता है वो आपका गोल्ड मेडल जीता है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करें, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि रवि कुमार दहिया ने जो इंडिया के लिए कौन सा मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि आके ब्रिटेन के बर्मिंगम में आयोजित किए गए थे, तो इन्होंने जो जीता है वो आपका गोल्ड मेडल जीता है। किसको हरा के जीता है? नाइजीरिया के ई वेल्सन को हराकर इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रवि कुमार दहिया किस खेल से रिलेटेड है, तो ये आपकी रेसलिंग कुश्ती से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी जो इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है उसमें वेट कैटेगरी क्या थी, तो इनकी जो वेट कैटेगरी थी वो 57 kg वेट कैटेगरी में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था। इसके पहले का यदि स्टेटिक जीके की हम बात करें तो इससे स्टेटिक जीके से रिलेटेड बन सकता है कि इसके पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहां पे इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो टोक्यो ओलंपिक में जो जीता था जापान में 2021 में टोक्यो में आयोजित किया गया था, तो वहां पे इन्होंने जो जीता था वो आपका सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 टोक्यो ओलंपिक 2021 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और आपके 2021 के आपके टोक्यो ओलंपिक में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस करंट इवेंट न्यूज के बारे में। इससे रिलेटेड मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बन सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट था इस करंट इवेंट क्लास के बारे में, जिसको कि क्लास 282 के बारे में, जिसमें कि हमने रवि कुमार दहिया के बारे में डिस्कस किया, जिन्होंने कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।